हेलो, ओके, वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग राजनंदिनी। ओके राजनंदिनी, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू साइनिंग क्लासेस विच इज अ पार्ट ऑफ टीचमेंट। ओके चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि क्लास में जो हम लोग भारत दर्शन कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू चलेगा। इसके अलावा एक पेड बैचेस भी शुरू उसमें हो चुकी है, क्लास 11 12 के लिए भी है, क्लास 9 10 के लिए भी है। जो भी बच्चे यहाँ पे इनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और अपने अनुसार वो अपने बैच को यहाँ पे अवेलेबल बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके अनुसार यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में ही, जैसे हम लोग बहुत से चीज में देखते हैं कि बंगाली और इंग्लिश का यूज किया जाता है, तो जनरली हम लोग यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए केवल हिंदी भाषा के लिए ये बैच अवेलेबल होगा। हाँ, अगर दूसरे बच्चे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सी पीएससी या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, हर एग्जाम की तैयारी के लिए वो इस सेक्शन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि स्टेट पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट पीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड इवनिंग नेहा, वेरी गुड इवनिंग। ओके चलिए चलते हैं आज हिमाचल प्रदेश की सैर पे। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले ये मुझे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही है? क्या मेरी आवाज आप लोगों को अच्छी से आ रही है? यस और नो, आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, कुछ लिखी हो। ओके चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले जो जिनमें जानकारी होती है पहले ये देख लीजिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखते हैं तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे एक और राजधानी आपके सामने दी हुई है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे धर्मशाला। धर्मशाला जो है ये विंटर कैपिटल के रूप में जाना जाता है, मतलब विंटर के टाइम में ये जो प्लेस है धर्मशाला को हम लोग विंटर कैपिटल के नाम से जानते हैं। ओके, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन इनका जो हुआ था हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 में इनका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए ये 18वां स्टेट है, ये 18th नंबर के स्टेट है। कैसे? बाय एरिया। बाय एरिया में देखते हैं कि ये 18 नंबर का स्टेट है। अगर इनकी पॉपुलेशन देखते हैं तो इनकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ये एक जेन्युइन जानकारी। उसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग पूरे स्टेट को अच्छे से एक बार देख लें, झांक लें, अपने भारत के अंदर वो स्टेट किस जगह पे लोकेशन है देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात आपको बता दें कि जो हिमाचल प्रदेश है ये टोटल 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ की तरफ कौन हो जाएगा? जे एंड के, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम यहाँ पे देखें साउथ वेस्टर्न की तरफ देखें तो पंजाब, हरियाणा, ओके, ये हो जाएगा उत्तराखंड। और एक छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे यूपी के साथ भी क्या होता है, टच होता है। ओके, हो गए 5 स्टेट। अब ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये जो बॉर्डर आपको साइड में जो बॉर्डर दिख रही है, ये जो बॉर्डर है ये तिब्बत के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, ये तिब्बत के साथ शेयर हो रहा है। ओके चलिए अब हम थोड़ा सा इस स्टेट को ध्यान से देखते हैं। देखिए इस स्टेट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको यहीं पे मंडी नजर आ रही है। ठीक है, काफी फेमस जगह है, यहीं पे ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। ओके, योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखे तो कुल्लू भी इसी जगह पे मिलता है। ठीक है, लाहौल स्पीति यहीं पर है, कांगड़ा घाटी भी यही भी मिलता है। अगर हम पूरा लोकेशन की बात करें अच्छे से, अगर हम इनका लोकेशन देखना चाहेंगे तो आपको बता दे, देखो जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम बोर्ड को यहाँ पे साफ कर देते हैं। ओके, या फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हिमालयन रेंज है। ओके, ये हिमालयन रेंज है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा पीर पंजल। ओके, इस जगह पे क्या हो जाएगा, धौलाधर।
इस जगह पे धौलाधर हो जाएगा, और फिर इस जगह पे क्या हो जाएगा, महाहिमालय, महाहिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश की स्थिति है वो धौलाधर वाले रेंज में है, ओके, धौलाधर में है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आपको यहीं पे क्या मिल जाएगी, रोहतांग टनल, ठीक है, यहीं पे क्या मिलेगी, रोहतांग टनल, ओके। उसके बाद आपको बता दे कि ये जो टनल है इसका नाम चेंज करके अटल टनल रख दिया गया है, क्या रखा गया है, अटल टनल, अटल टनल रख दिया गया है, ठीक है। अटल टनल का जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9, पर लिखते हैं 9.02 किलोमीटर, ओके, ये इसका यहाँ पे हो जाएगा लेंथ। याद करके रखिएगा मिस, आप मेरे फैमिली में पूरे, हाँ, फेमस हो गए हैं। अरे वाह, चलिए कुछ तो मिला मुझे होने के लिए, फेमस ही सही। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं यहाँ के कुछ बेसिक जानकारी में, ठीक है। अगर ये हम पे देखें तो एरिया तो आप देख ही रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम चीफ मिनिस्टर देखें, अब ये मत बना मिस चीफ मिनिस्टर के सामने ये एप्पल का फोटो क्यों लगाया हुआ है। मैंने एप्पल का फोटो इसलिए लगाया कि वहां पे चीफ मिनिस्टर का नाम है, बल्कि इसे लगाया क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रूट के बारे में बताया गया है, ठीक है, एप्पल है, ओके, स्टेट फ्रूट यहाँ पे एप्पल है। फिश की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन महेश्वरी यहाँ की फिश हो जाएगी, बहुत प्यारी सी क्यूट सी मछली होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीफ मिनिस्टर देखते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हो जाएंगे गजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, ठीक है, गजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर, ओके। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट ले ले, हाँ, ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर ट्री कौन सा हो जाएगा, देवदार का ट्री, जिसको हम लोग सिडार का ट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ का क्या है, स्टेट स्टेट ट्री है, ठीक है, ट्री है। उसके बाद फ्लावर की बात करें तो ये रेड कलर के जो फ्लावर आपको खूबसूरत सी नजर आ रही है, ठीक है, ये यहाँ का स्टेट फ्लावर है, क्या नाम है, रोटरडम्स, ठीक है, रोटरडम्स यहाँ की ये स्टेट फ्लावर है, बहुत सुंदर सी क्यूट सी होती है, बहुत खूबसूरत सी, ओके। नेक्स्ट चलिए यूनेस्को साइड में देखते हैं, ठीक है, यूनेस्को साइड में हम लोग यहाँ पे ग्रेट हिमालयन रेंज देखेंगे, ठीक है, ग्रेट हिमालयन पार्क, कालका शिमला रेलवे, उसके बाद हिडिम्बा टेम्पल, हिडिम्बा देवी का एक टेम्पल है जो मनाली में स्थित है, मोनेस्ट्री है, तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट स्पिति वैली में मिलेगी, एक मोनेस्ट्री मिलती है, टैबू मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, वो जो मठ होते हैं ना, बहुत मतलब बौद्ध धर्म के लिए जो मठ होती है वो मठ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल में क्या देखते हैं, एक बहुत पुरानी यहाँ पे कांगड़ा फोर्ट है, उसके बाद मसरूर टेम्पल नियर कहाँ पे है, बैजनाथ टेम्पल के बगल में है, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी मिलेगा, जो वैसरल लॉज के रूप में यहाँ पे यूज हो रहा है, और वो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन शिमला में है। तो कुल इतनी सारी चीजों को यहाँ पे क्या किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको रखा गया, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक टेम्पल है, ये एक टेम्पल है जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ये यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं टॉय ट्रेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, टॉय ट्रेन, जो हमेशा मतलब ये पहाड़ी वाले एरिया में घूम घूम कर चलती है। अगर आप कहीं पहाड़ी एरिया में घूमने गए हो, जैसे अगर आप दार्जिलिंग वगैरह में गए हो, तो दार्जिलिंग में भी ये टॉय ट्रेन शुरू किया गया था, उसके बाद शिमला में भी देखते हैं हम लोग, उसके मनाली में भी देखते हैं, ये टॉय ट्रेन मिलता है, ठीक है। मिस आप लोग की जो थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा छोटा आ रहा है, एक सेकेंड, ओके, चलिए नेक्स्ट, इस हम आर्ट्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो, वेरी गुड, क्या दिक्कत है, आर्ट्स ले रहे हो, तो चलो कहाँ गया भाई, यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश का कुछ बारे में जानते हैं। देखो जैसे अगर हम यहाँ पे बोले, आपको अभी याद होगा मंडी, अभी हम मंडी बताएं, ठीक है, मंडी क्या है, तो यहाँ पे ग्राम, सड़क योजना की शुरुआत की गई, ठीक है, योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई। उसके बाद हम देखते हैं एलपीजी की सुविधा यहाँ पे शुरू की गई,
ये आपका करंट में आएगा, ठीक है, एलपीजी सुविधा। उसके बाद देखते हैं पंचवटी योजना, पंचवटी योजना, ओके। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे कि अभी आपको हम बताए थे कि इस जगह पर क्या हुआ था, एक टनल था जिसका नाम क्या था, रोहतांग, ठीक है, रोहतांग टनल था जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया यहाँ पे, अटल टनल, अटल टनल, ओके। मिस 800 फुल लेती है, बोलते हैं कि 800, मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो राइटिंग बहुत छोटी छोटी आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए बाद में बात करेंगे, फोन कर लेना मुझको एक, ओके, दूर हो जाएगी सारी ये। चलो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ कुछ टूरिस्ट प्लेस देखना चाहेंगे तो टूरिस्ट यहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस में क्या आ जाएगा, टूरिस्ट प्लेस में क्या देखेंगे, डलहौजी, डलहौजी वो उठकर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे डलहौजी एक विला है, ओके। उसके बाद शिमला घूमने लायक है, डलहौजी विला है, एक घूमने लायक जगह है, ओके। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, शिमला, नेक्स्ट क्या है, मंडी, मनाली, पहले मनाली, उसके बाद कुल्लू, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, धर्मशाला, ओके। उसके बाद यही भी आपको मिलेगा क्या, क्रिकेट का एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, ओके, ठीक है, क्लियर, यहां तक, यहां तक क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन रैंक यहाँ पे 21st है, मतलब 21वां स्थान में है, और डेंसिटी देखें तो 123 प्रति स्क्वायर है। लिटरेसी रेट देखते हैं तो लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत अच्छा है, 82.80% यहाँ का लिटरेसी रेट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं सेक्स रेशियो देखेंगे तो 972 फीमेल में 1000 यहाँ पे कौन है, मेल है, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं तो कुल जो संख्या यहाँ की हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 68, और लोकसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पे 4 है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3, ठीक है। आपको बता दें ये याद करने का तरीका ऐसा होता है, जैसे राज्यसभा, ओके, ये लोकसभा, क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, राज्यसभा 3:4 का रेशियो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो ये जो सीट लिखी है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 12 डिस्ट्रिक्ट है, ओके। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एक अपना हाई कोर्ट है, देखो बता दे सभी राज्यों में अपना सबका हाई कोर्ट नहीं होता, बल्कि किसी किसी राज्यों में नहीं भी मिलती है। तो अब मेरा सवाल ये है, ये आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आपको ये पता करके बताना है कि किन किन राज्यों में खुद का अपना हाई कोर्ट है, सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है मुझे ये आपको बताना है, ठीक है। किन किन राज्यों में हाई कोर्ट है और किन किन राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है ये बताना है। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था, कौन से साल में बना था, ये आपको बताना है, ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क, ओके। नेक्स्ट चलिए, अगर यहाँ की लैंग्वेज बात करें तो लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगी हिंदी और एक है क्या, इंग्लिश, ओके। अच्छा क्लास नहीं कर पाओगी, कहीं जा रहे हो क्या, घूमने जा रही होगी, पास हो गई है, खूब घूम रही हो, अरे मिठाई विठाई खिलाओ यार, आराम से पास होके घूम रही है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। चलो आप लोग पास हो गए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेक, झीलों की बात करें तो यहाँ पे भृगु लेक, दैशीर लेक, आपको सारे याद नहीं करने, कुछ कुछ लेक को यहाँ पे याद करना है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रेणुका लेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नाको लेक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो लेक आपको यहाँ पे याद करनी है। रिवर्स, रिवर्स बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिवर्स में क्या आ जाएगा, यमुना, घग्गर, ब्यास, सतलज और चिनाव, यहाँ पे हम लोग रिवर्स
देखते हैं। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन की बात करें, हम लोग अगर कल्टीवेशन की बात करें, ठीक है, तो क्या देखते हैं, वीट, वीट, राइस। क्या राइटिंग है भाई, वीट, राइस, मिजाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, फिक्स, फिक्स खायो, फिक्स। उसके बाद हींग, आपको बता दे कि हींग की खेती यहाँ पे शुरू हो चुकी है, पहले नहीं थी लेकिन अब यहाँ पे हींग की खेती शुरू हो रही है। उसके बाद पाल्म, ऑलिव। ओके, ये यहाँ के क्या है, ये यहाँ के कुछ कल्टीवेशन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे डैम कौन कौन सा मिल रहा है, तो डैम यहाँ पे भाखड़ा डैम है जो सतलज नदी के ऊपर है, पोंग डैम है जो ब्यास नदी के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोंग डैम हमेशा पूछा जाता है कहाँ पर है, और आप लोग का आंसर क्या होता है, लद्दाख। यहाँ पे पोंगोत्सो लेक नहीं कहा गया है, यहाँ पे पोंग डैम पूछा गया है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ब्यास रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है चमेरा डैम जो रावी नदी के ऊपर है। स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एक अपना क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, अगर यहाँ पे फोक डांस की बात, नमगेन, नमगेन डांस, झाली, महासु, डांगी और डांगी नृत्य, ये सब यहाँ के क्या हो जाएंगे, फोक डांसर्स हो जाएंगे। आप एक और चीज बताना, मैं भूल गई कि पासेस, यहाँ पे पासेस भी होती है, क्योंकि ये जो है मतलब पहाड़ी एरिया है ना, मतलब पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे पासेस भी मिलेगा। पासेस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कांगड़ा, कांगड़ा पास है। नेक्स्ट है चंबा, चंबा पास। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, रोहतांग, रोहतांग पास भी यहीं पे देखते हैं, सिपकिला दर्रा भी यहीं पे देखते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़ी हो सिपकिला। ओके, ये इतने सारे यहाँ के क्या हो जाएंगे, आपके पासेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, फिर है खैरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल, सिंबल बारा नेशनल पार्क। आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क और द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ओके, इतना केवल आपको यहाँ पे याद करना है। ओके, समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो? ओके, चलिए बहुत अच्छा बात है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, तो सारा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट है केवल आपको वही चीज याद करनी है। जैसे यहाँ पे एक हो जा रहा है बांदली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कनावर, किब्बर, फिर रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद और यहाँ पे नहीं है, बस आपको इतना ही यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना। क्या क्या नाम बताए, एक बांडला, किबर और रेणुका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये याद करनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब में देखेंगे तो यहाँ पे किनोरस ट्राइब मिलते हैं, गुज्जर ट्राइब है, लाहुली है, गड्डी है, स्वांगला है, पांगवाल है और कंपा, ये यहाँ के कुछ स्पेशल ट्राइब है, ठीक है, स्पेशल ट्राइब जो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे फोक डांस तो पढ़ ही चुके हैं, अगर आर्ट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स की बात करते हैं, तो आर्ट्स में यहाँ पे क्या मिलेगा, पेंटिंग, पेंटिंग है, कौन सी पेंटिंग है, भाषाली, भाषाली, भा
शाली पेंटिंग है। ओके, उसके बाद क्या मिलेगा? रेणु, रेणुका जी, एक मिनट, कांगड़ा पेंटिंग था, सॉरी। यहां लिखती हूँ, ठीक है। भासाली पेंटिंग और एक हो जाएगा कांगड़ा पेंटिंग। इसे यहाँ पे क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में बताए हैं कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जो किसी भी वस्तु को, जो वहां का खुद का प्रोडक्शन हो और कहीं भी उसका उत्पादन ना होता हो, वहीं बनाई जाती हो, तो उसे कुछ मतलब संरक्षण दिया जाता है 10 वर्षों के लिए, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? जीआई टैग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कल्टीवेशन, आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन व्हीट, राइस, मिजाई, बार्ले, एप्पल, पाम, ऑलिव, फिग और हिंग की खेती यहाँ पे होती है। पासस में रोहतांग देखिएगा, बारालाचा है, सिपकिला है और दिप्सा है। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। टेम्पल में क्या देखते हैं? तो टेम्पल में यहाँ पे नैना देवी टेम्पल देखते हैं और रेणुका जी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में यहाँ पे क्या देखते हैं? गगल एयरपोर्ट। गगल एयरपोर्ट है, आपको बता दे कि इसी जगह पे शुरू हुआ था उड़ान योजना, ठीक है। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक वाला योजना, जहां पे फर्स्ट बार यहाँ से दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू शिमला एक फ्लाइट यहाँ पे चलाई गई थी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, जिसमें कुल्लू शॉल को 2004 में, चंबा रुमाल को यहाँ पे 2007 में, किन्नौरी शॉल को यहाँ पे 2008 में, कांगड़ा टी को यहाँ पे 2012 में, कांगड़ा पेंटिंग को यहाँ पे 2012 में, काला जीरा, वो जो छोटे छोटे जीरा नहीं आते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छौका जिसे हम लोग मारते हैं, बड़ा अच्छा से खुशबू आता है उसमें से, ठीक है, वही वाला काला जीरा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंगरेला कहते हैं, मंगरेला है ना। नहीं पता, कैसी लड़की, किचन का सामान नहीं जानती है। हाँ, मंगरेला, वो जो एकदम पूरा काला सा होता है ना, एकदम कोयले से भी ज्यादा काला होता होगा मेरे ख्याल से। चलो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे किन्नौरी चोली ऑयल, जो 2019 में जीआई टैग इसको मिला है। उसके बाद बासमती राइस 2000 में, 20 में इनको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। ये सुंदर सा, आप ये देख रहे हो, सुंदर सा मतलब पिक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये कहाँ का है? कांगड़ा टी का। चलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं रामसर साइट, है ना, रामसर साइट हम यहाँ पे भूल गए थे। ओके, चलो, रामसर साइट की बात करें तो रामसर एक कन्वेंशन हुआ था। कब कन्वेंशन हुआ था? 1972 में एक कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था, किसको किसको याद है? ईरान में हुआ था, ठीक है। ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था, किस चीज को लेकर हुआ था? तो ये हुआ था वेटलैंड्स को लेकर, ठीक है, वेटलैंड्स को लेकर यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था। तो यहाँ क्या भारत, क्या भारत को तो बहुत सारा एरिया, मतलब 49, मतलब भारत का कुल मिला के 49 साइट को यहाँ पर क्या बोला गया है, मतलब रामसर साइट में रखा गया है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश का कौन सा भाग है? तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे हो जाएगा चंद्रताल, ठीक है। उसके बाद पोंग डैम, पोंग डैम, ठीक है, रेणुका लेक, रेणुका लेक को यहाँ पे रामसर साइट में रखा गया, ठीक है। अगर हम लोग ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश से कोई ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आपको बता दे, आप लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस, ठीक है, फेवरेट एक्ट्रेस, क्या नाम है उनका, कौन जानती है उनको, कौन जानती, बताओ। कंगना रनौत, ठीक है, कंगना रनौत यहीं से है। उसके बाद अगर हम बात किया अनुपम खेर, ठीक है, अनुपम, अनुपम खेर भी
इसी जगह से रिलेटेड है, ठीक है? याद रहेगा, इतना याद रहेगा, भूलोगी रही? ओके, चलिए थोड़ा सा और हम बता देते हैं, कुछ हाइड्रल पावर हम यहाँ पे भूल गए हैं बताना, तो हाइड्रल पावर में देख लेते हैं, कहाँ लिखूँ, साफ कर देते हैं इसे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे हाइड्रल पावर की बात करें, ठीक है, हाइड्रल पावर की बात करें, तो यहाँ पे हाइड्रल पावर में नाफ्ता झाकरी, ठीक है, नाफ्ता झाकरी हाइड्रल पावर यहाँ मिलेगा। इसके अलावा गिरिनार, इसके अलावा गिरिनार, बिनवा, ठीक है, संजय, आंध्रा, ये यहाँ के कुछ हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है। ओके, कंप्लीट यहाँ पे, कंप्लीट, कोई दिक्कत यहां तक बताओ, अगर है तो बताओ। नहीं करती हो, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं करती हो तो ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, अब आप ये बताइए कि हाउ वाज सेशन, आपको कैसा लगा, ठीक है, आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए, क्योंकि आप जैसा बताएंगे मैं वैसे ही आपको वहां पे लाके प्रस्तुत करूंगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन मेरा आपके पसंद के अनुसार ही होगा। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को खत्म कर दिया, मतलब पूरी तरह से पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग कौन सा स्टेट करेंगे ये आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, तो सो प्लीज ज्वाइन करना ना भूले, नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम ईयर। ओके, टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कीप रिवाइज, कीप लर्निंग, गुड बाय एंड टेक केयर।